नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। राजधानी पटना वासियों को इस वक्त गर्मी से राहत नहीं मिलने जा रही। आपको बताएं कि बिहार के कुछ ऐसे जिले हैं जहां पे बारिश होने की बात मौसम विभाग की तरफ से कही गई है, लेकिन राजधानी पटना की अगर हम बात करें तो यहां लोगों को गर्मी से छुटकारा नहीं मिलने वाला है, जिसको लेकर मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है। ऐसे में आपको सबसे पहले बताते हैं कि किन किन जिलों में बारिश होने की बात मौसम विभाग की तरफ से कही गई है और क्या कुछ ताजा अपडेट बिहार के मौसम को लेकर जारी किया गया है। बता दें कि प्रदेश में मौसम का मिजाज अलग अलग बना हुआ है। कहीं गर्मी झुलसा रही है तो कुछ जिलों में राहत की फुहार पड़ रही है। प्रदेश के दक्षिणी भागों में जहां पछुआ की मजबूत स्थिति बनी हुई है, तो उत्तर में पूर्वा से मौसम सुहाना बना हुआ है। इसके प्रभाव से प्रदेश के दक्षिणी भागों में सप्ताह तक प्रचंड गर्मी और लू की स्थिति बने रहने के आसार है, जबकि उत्तर पूर्व जिलों के 15 जिलों में मेघ गर्जन के साथ बारिश हो रही है और आगे भी इसके आसार है। कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बुधवार को पटना का तापमान 40 डिग्री के पार चला गया। सामान्य से 3 डिग्री की वृद्धि के कारण तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अभी कुछ दिनों तक पटना वासियों को गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है। साथ ही पछुआ हवा की मजबूत स्थिति बने होने के कारण गर्मी का सतम जारी रहेगा। वहीं 23 मई के बाद राहत के आसार है। 23 मई से बादल छाए रहने और बिजली चमकने के आसार है, जिसके कारण तापमान में गिरावट आएगी। इसके साथ बात अगर हम करें तो पटना समेत प्रदेश के गया, जमुई, बक्सर, औरंगाबाद, रोहतास, नवादा, हरनौर, डेहरी में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया। इसके साथ ही 44.4 डिग्री सेल्सियस के साथ औरंगाबाद प्रदेश का सबसे गर्म स्थान दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश का तापमान राजस्थान के जैसलमेर के आसपास पहुंच गया है और यही वजह है कि मौसम विभाग की तरफ से कुछ जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं लू को लेकर भी लोगों से सावधान रहने की बात मौसम विभाग की तरफ से कही गई है। लेकिन इस बीच बात करें तो बिहार में अलग अलग मौसम का मिजाज देखने को मिल रहा है। कुछ ऐसे जिले हैं जहां पे तेज आंधी और पानी के साथ बिजली चमक रही है, तो वहीं कुछ ऐसे भी जिले हैं जहां पे लू के चपेट में आने की जो बात है वो मौसम विभाग की तरफ से कही गई है। और यही वजह है कि इस बिगड़ते हुए मौसम में लोगों से अपील की गई है कि आप सबसे पहले अपने सेहत का ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।